गोरखपुर में सोमवार को 24 घंटे के अंदर केवल 28 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,115 पहुंच गया है। इनमें 20,493 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 345 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 277 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की है। सोमवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 12 नए मरीज मिले हैं। इसमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 4 मरीज शामिल है। इसके अलावा राजघाट में 1, कोतवाली और गोरखनाथ में 2-2 और शाहपुर थाना क्षेत्र में 3 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 14 नए मरीज मिले हैं। इनमें भटहट, खजनी और बासगांव में 2-2 और चरगावा में 7 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में 2 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।